हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है काल मतलब टेंस. ओके, फर्स्ट वी विल सी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ टेंस. क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चलता है. ओके, कार्य के होने के समय का पता चलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं. काल में बेसिकली क्या हो जाता है कि हम उसमें समय देखते हैं, टाइम देखते हैं. ओके, नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. फर्स्ट इज आवर भूतकाल, दैट मीन्स पास्ट टेंस, वर्तमान काल दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस, एंड लास्ट इज आवर भविष्यकाल दैट मीन्स फ्यूचर टेंस. ओके, तो देखते हैं अपन भूतकाल. क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है. कार्य के बीते हुए समय में मतलब जो बीत चुका है, ठीक है, जो बीत चुका है उसे हम कौन सा काल कहेंगे, भूतकाल कहेंगे. अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा था, थी, थे, ठीक है. नेक्स्ट इज आवर वर्तमान काल दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस. क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है मतलब जो काम अभी चल रहा है, ठीक है, जो काम अभी चल रहा है उसको हम कौन सा काल कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस कहेंगे. अगर एग्जांपल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रही है, रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, वर्तमान काल के. नाउ लास्ट इज आवर भविष्यकाल दैट मीन्स फ्यूचर टेंस. क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता है मतलब जो होने वाला होता है, राइट, जो होने वाला होता है उसे हम कौन सा काल कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं. एग्जांपल की बात अगर हम करें तो हो जाएगा जाऊंगा, जाएगी, जाएंगे, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फ्यूचर टेंस. ओके, थैंक यू.